हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें ये भारत का भूगोल है जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न आते रहते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आगामी परीक्षा के लिए आपकी हेल्प करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो सार्वजनिक डाक सेवा 1837 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी वर्तमान डाक विभाग की स्थापना, लॉर्ड डलहौजी काल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबको पता है सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? क्षेत्रफल राजस्थान का है। किसका? राजस्थान का, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? सबसे कम है, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल राज्य वाला राज्य राजस्थान है, अभी मैंने बताया था। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा का क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता कौन से जिले की है? केरल की है। कितनी? केरल की है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी रेलगाड़ी है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली? समझौता व थार एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? कोलकाता और हल्दिया कहलाता है। कौन सा? कोलकाता और हल्दिया कहलाता है। यह अभी पूछा गया था कि नवासोबा बंदरगाह कहाँ पर है, नवासोबा बंदरगाह कहाँ पर है। अभी आरओ आरओ एग्ज़ाम में ये पूछे भी गया था ये प्रश्न, इसीलिए आपको ये प्रश्न उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये तैयार किए हैं। आपको इनका आंसर बता के भी चलना है कमेंट बॉक्स में, और आपको आपकी तैयारी भी होती चलेगी आप अगर ये आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है। कहाँ पड़ता है विशाखापत्तनम? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सेतु समुद्र परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? कांडाल कौन सा? कांडाला बंदरगाह, आपको याद रखना है। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चालू हुई थी या शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में चली थी। कब? 1925 में। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 में हुआ था वायु परिवहन का, ठीक है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? फुर्सतगंज, ठीक है, फुर्सतगंज में है, ठीक है, फुर्सतगंज में स्थित है, आपको याद रख के चलना है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो डाकघर सबसे अधिक कौन से देश में है? भारत में है। अगला प्रश्न है,
देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है, कहाँ पर खोला गया था? तो ये कहाँ पर खोला गया था, 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ठीक है, देश का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो कौन सा पुराना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। लोहा अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है लोहा अयस्क सबसे ज़्यादा। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जावर की खान जस्ता, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। द्वितीय योजना काल में लगाए गए तीन नए कारखाने कौन से थे, तो कौन से तीन नए कारखाने, अभी ये पूछा भी गया था। ठीक है, जो आर ओ जंग का हुआ था इसमें से एक पूछ लिया गया था। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर, राऊ केला, आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यह भारतीय रेल है, बाकी सबका निजीकरण हो चुका है, अभी रेल ही ऐसा बचा है जिसका निजीकरण होना बाकी है, बाकी सबको निजीकरण के। निजीकरण कब अपनाया गया था, 1991 में, कौन से मॉडल के द्वारा, राव मनमोहन मॉडल के द्वारा, जिसमें क्या क्या किया गया था, उसमें उदारीकरण सार्वजनिकरण और उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीकरण अपनाया गया था। ठीक है, इसमें यह भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जन्म डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है 1966 में, और 67 में हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया था MS स्वामीनाथन द्वारा भारत में। और विश्व स्तर में पूछा जाएगा, तो विश्व स्तर में किसे, ई शेयर में नौकरे, ठीक है, आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, आपको याद रख के चलना है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड के द्वारा चलाया गया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किस, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बताना कि जो क्रांति हैं, रजत क्रांति किससे संबंधित है, गोल्ड क्रांति, सुनहरी क्रांति और बादामी क्रांति किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और भूरी क्रांति बताना। ठीक है, सारी क्रांति आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, तो ताप थर्मल पावर से। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब शुरू किया गया था, तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ये 1956 में शुरू किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो भारत में परमाणु ऊर्जा का प्रारंभ तारापुर में, तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र कहाँ, महाराष्ट्र क्या है, ठीक है, महाराष्ट्र एक राज्य है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सार्वजनिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, लोहा ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है लाल मिट्टी का, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या किसकी फसल पाई जाती है, काली मिट्टी में कपास की फसल पाई जाती है, अधिकतर कपास की पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में, और गुजरात के बाद किसका स्थान है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र का स्थान है, किसका, महाराष्ट्र का, आपको याद रखना है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है काली मिट्टी में, कपास की होती है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रभाव से। और मुझे बताना आप बांगर मिट्टी कैसे कहते हैं, बांगर मिट्टी कैसे कहते हैं, और खादर कैसे कहते हैं, ठीक है। खादर और बांगर में अंतर है, खादर मिट्टी कौन सी होती है, जो हमेशा हर वर्ष बाढ़ द्वारा जो बहा के लाई जाती है, जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। बांगर कौन सी होती है, बांगर वो होती है जो अनुपजाऊ मिट्टी होती है, जो उसमें पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। खरीफ की फसल कौन सी है, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, क्या है खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें कौन सी हैं, रबी की फसलें होती हैं गेहूं, ठीक है, ये गेहूं क्या है, रबी की फसल है।
और गेहूँ के साथ में जितनी भी गेहूँ के मौसम में उगाई जाती हैं वो सब क्या है, रबी की फसल होती हैं। और जायद किसे कहते हैं, जायद तरबूज खरबूज ककड़ा खीरा ये सब क्या है, जायद की फसल है। ठीक है, रबी की फसल कौन सी है, देखिए रबी की फसल मैंने बता दिया आपको, गेहूँ चना मटर जौ सरसों आलू आलू आदि हैं, ये क्या है। और जायद क्या है, खरबूजा खीरा ककड़ी आदि हैं, ये मैंने अभी बताया था आपको। नकदी की फसल कौन सी है, नकदी फसल जो होती है जिसमें तत्काल बेचने पर आय प्राप्त होती है वो नकदी फसल कहलाती हैं। जो मुख्य उद्देश्य व्यापारी व्यापार करना होता है इन फसलों का, जो तत्काल रूप के रूप बेच कर उनसे आय या इनकम प्राप्त की जाती है वो क्या होती है, नकदी फसल होती है। गन्ना रबड़ तंबाकू कपास सूरजमुखी ये क्या है, नकदी फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अधिकतर क्या इसका उपभोग होता है भारत में, चावल का होता है, किसका, चावल का उपभोग सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद गेहूं का होता है। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है, मानसून को अरबी भाषा का शब्द है, कौन सा अरबी भाषा का शब्द है मानसून। अब भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, तो भारत में सबसे पहले मानसून आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो सबसे प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। ठीक है, जो हर वर्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं और इनके पत्ते कब नए आने प्रारंभ होते हैं, मार्च अप्रैल और मार्च से प्रारंभ हो जाते हैं, फरवरी मार्च से नए पत्ते, और ये अपने पत्ते लगभग नवंबर दिसंबर में गिरा देते हैं अपने। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो हरियाणा में पाए जाते हैं सबसे कम वन। और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और दाल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दलहन का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा दलहन भी कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है दलहन का उत्पादन। ठीक है, हुसैन सागर बांध कहाँ पर है, हुसैन सागर बांध आप बता सकते हैं कहाँ है, हुसैन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर बांध। सबसे पहला राज्य कौन सा था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था, भाषाई आधार पर जो राज्य गठित हुआ था कौन सा, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश ही था जो भाषाई आधार पर 1956 में गठित हुआ था। ठीक है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, तो देखिए जो दलदली भूमि और ज्वार भाटा वाले इलाकों में जो वन उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, क्या, मैंग्रोव। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, कब, 1936 में किया गया था, 1936 में। ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारे उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका नाम कब परिवर्तित कर दिया था, 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके कार्बेट कर दिया गया था, क्या, कार्बेट, इसका 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। अब वर्तमान में भी इसका नाम क्या हो चुका है, चेंज हो गया है, अब इसका रामबंगा नेशनल पार्क हो गया है, फिर से रामबंगा नेशनल पार्क नाम कर दिया गया है इसका, इसका नाम जिम कार्बेट, जो नैनीताल में हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट कब शुरू हुई थी, 1973 में की गई थी, अब 1973 में ये हमारी टाइगर प्रथम शुरू की गई थी परियोजना, जो किससे, बाघों से संबंधित थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर राज्य के नाम से। ठीक है, अगर मुझे बता सकते हैं सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, थाईलैंड में पाए जाते हैं, कहाँ, थाईलैंड में पाए जाते हैं सफ़ेद हाथी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, नाथुला दर्रा किसमें है, सिक्किम राज्य में है नाथुला। ठीक है, और जोजिला दर्रा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, जोजिला कहाँ पर है, जोजिला दर्रा मुझे बताना कहाँ पर है। ठीक है, और नाथुला बताना, नाथुला दर्रा तो आपने मैंने यही बता दिया सिक्किम में है नाथुला, आप मुझे बाराहोती बताना कहाँ है, बाराहोती दर्रा कहाँ पर पड़ता है ये बाराहोती। ठीक है, और लीपू लेक बताना कहाँ पड़ता है, लीपू लेक दर्रा कहाँ पड़ता है। ठीक है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा, थालघाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, कौन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, आपको याद रखे चलना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम में होती है, मासिनराम पहले कहाँ होती थी, चेरापूंजी में होती थी, चेरापूंजी, मासिनराम भी वहीं पड़ता है जहाँ चेरापूंजी पड़ता है। ठीक है, मगर ये अब मासिनराम में होती है सबसे अधिक वर्षा। अगला प्रश्न है, मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा
का क्या कारण है? तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, क्योंकि उसकी आकृति कैसी है, पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति है ऐसी, इसलिए वहाँ पर जो मानसून आता है वो इन हवाओं से टकरा कर वर्षा करता है, इनसे इनसे टकरा कर और वर्षा करता है। क्योंकि बरसात का मुख्य कारण क्या होता है, बरसात का क्या कारण होता है मुख्य, बरसात ऐसे थोड़ी होती है, बरसात देखिए यहाँ पर भी अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर मुख्य रूप से पेड़ अधिक होते हैं, पेड़ के साथ साथ वहाँ पर क्या जो हमारे जो पानी के क्षेत्र होते हैं, पानी के इलाका जल इलाका होता है, जलीय क्षेत्र, वहाँ पर जो भाप बन के उड़ती है ऊपर जाती है और बादलों का निर्माण करती है, तो उससे भी क्या होते हैं ये हमारी वर्षा होती है उसे, इसलिए सबसे अधिक वन लगाना चाहिए, यही कहते हैं इसे, जिससे सूखा नहीं पड़ता है, इसलिए आपको वनों का कहते नहीं है कि जहाँ पर वन नहीं होते वहाँ सूखा पड़ने लगता है, तो यही कारण है कि वन हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी ऑक्सीजन देते हैं वन। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में होती है, जो लौटते हुए मानसून से होती है। कौन सी? लौटते हुए मानसून से होती है शीतकालीन वर्षा, आपको याद रखना है। तमिलनाडु कौन सा कौन से क्षेत्र में पड़ता है भारत के? पूर्व में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है? कहाँ पड़ता है? दक्षिण इलाके में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु दक्षिण में पड़ता है, नीचे पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी भारत की। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। कौन सी? अरावली है। और सबसे नई श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। कौन सी? शिवालिक है सबसे नई श्रृंखला, जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। पूछा जाता है किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो अरावली में नहीं पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है? शिवालिक में पाया जाता है जीवांश, ठीक है। जीवांश क्या होते हैं? जो नीचे किसी प्राकृतिक पेड़ पौधे चट्टानों के नीचे मिलते हैं, या जानवर के प्राकृतिक तंत्र, वो जीवाश्म होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जीवाश्म होती हैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं पेड़ पौधे पुराने, ये क्या है? सब जीवांश हैं, जब जीव के अंश जीवांश। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर आपको याद रखना है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। ये प्रश्न अभी पूछा गया था, किसमें? आदिशासी अधिकारी वाले में पूछा गया था ये प्रश्न, आपको इसका प्रश्न याद रखने हैं, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। आप मूवी बताया था अभी लाल चंदन कहाँ पाया जाता है? अभी एक मूवी बनी थी लाल चंदन के ऊपर, तो लाल चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, आप मुझे इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, ठीक है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कितने मीटर ऊंचा है? 260.5 मीटर ऊंचा है। ये कहाँ पड़ता है? टेहरी में पड़ता है। और टेहरी जिला कौन से राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है टेहरी जिला, ठीक है। यहाँ पर एक संगम होता है, दो नदियों का होता है, टेहरी में संगम होता है हमारे उत्तराखंड में। तो कहाँ होता है संगम, किसकी कौन कौन सी नदियों का संगम होता है वहाँ पर टेहरी में? तो किसका होता है? भागीरथी और अलकनंदा का। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी सास, अलकनंदा बहू होती है, इनका सास बहू का संगम होता है टेहरी में होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भांगड़ा नांगल परियोजना है, आपको याद रख के चलना है। टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टेहरी बांध भागीरथी और बिलंगना नदियों के संगम पर है, ठीक है। ये कितने ऊंचाई पर है? मैंने ये बताया था 260.5 ऊंचाई पर है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन है, ठीक है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा जलप्रपात है सबसे ऊंचा? गरसोप्पा या जोंग जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का गंगोत्री है। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। कहाँ? गौमुख से। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है, वह किस राज्य में
राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा संयुक्त रूप से किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। भारतीय कौन सी नदी डेल्टा नहीं डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। और ऐसी दो नदियाँ कौन सी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं? वो नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। कौन सी नदी भ्रंश और द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश और द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा रेड क्लिप रेखा का विभाजन हुआ था? कौन सी रेड क्लिप वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था रेड क्लिप रेखा का निर्धारण। ठीक है, किसने किया था? रेड क्लिप के द्वारा ही हुआ था ये। महानदी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य हैं। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मंदार की खाड़ी में स्थित है पम्बन द्वीप, आपको याद रखना है। ड्यूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी वो कहाँ कब की गई थी? 1896 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में पड़ती है, खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी कौन से पानी की झील है? चिल्का झील खारे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील कहाँ पड़ती है? ये मीठे पानी की झील बुलर झील है। कौन सी? बुलर झील है, और ये पड़ती है जम्मू कश्मीर राज्य में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सामर झील है राजस्थान में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील है। कौन सी? इंदिरा सागर झील है। अंडमान भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिप के द्वारा हुआ था। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भूटान सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम करता है। कौन? सिक्किम करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। दक्षिण का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 याद रखना है। नीलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित हैं नीलगढ़ की पहाड़ियाँ, आपको यह भी याद रखना है। यह आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको आप ध्यान से देख के चलें क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।